हेलो दोस्तों, बुलबुल की रसोई में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए राजमा चावल की एक नई रेसिपी। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर कोई बात नहीं, अगर स्वाद चाहिए तो थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा। चलो तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं यहाँ पर बनाऊँगी जीरा राइस। जीरा राइस बनाने के लिए मैंने 1 कप चावल लिए हैं, 1.5 कप पानी लिया है। मैंने यहाँ गैस फ्लेम ऑन करने के बाद में 1 कुकर में 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है, जिसके गरम होने के बाद में 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। साथ ही खड़े गरम मसाले डाल दिए, 1 बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 3-4 काली मिर्च, 1 लौंग, जिनको कि हम थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे। गरम मसाला भुनने के बाद में मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं। ये ऑप्शनल है, आपके पास हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ड्राई फ्रूट्स को हल्का रोस्ट करने के बाद में मैंने यहाँ धुले हुए चावल डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद में मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको थोड़ी देर मसालों के साथ मिलाऊँगी। अब मैं यहाँ थोड़ा नमक ऐड कर दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैं जब जीरा राइस बनाती हूँ तो इनमें काली मिर्च पाउडर ज़रूर डालती हूँ, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। चावलों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में मैं यहाँ 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। ये रेशियो एकदम परफेक्ट होता है, चावल इससे खिले खिले बनते हैं। अब कुकर को अच्छे से पैक करके हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक चावलों को पकाएंगे। अब कुकर के एकदम ठंडा होने के बाद में हम कुकर को खोल के देखेंगे। अब देख सकते हो कि चावल कितने अच्छे से पके हैं, एकदम खिले खिले। तो चलो अब हम बनाते हैं राजमा। राजमा बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी राजमा को थोड़े गुनगुने पानी में 2 से 3 घंटे के लिए रखा था। आप चाहें तो, आपके पास टाइम हो तो आप पूरी रात भी भिगो कर रख सकते हो। मसालों में मैंने यहाँ लिया है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की टमाटर प्यूरी, 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज, अदरक लहसुन हरी मिर्च का 2 स्पून पेस्ट। सूखे मसालों में मैंने लिया है यहाँ गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला। गैस फ्लेम ऑन करने के बाद में कुकर में हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने के बाद में मैं यहाँ 1 छोटा चम्मच जीरा डाल रही हूँ। जीरा तड़काने के बाद में यहाँ हम खड़े गरम मसाले डाल देंगे। मैंने यहाँ थोड़े ही गरम मसाले यूज़ लिए हैं, आप चाहे तो और भी गरम मसाले यूज़ कर सकते हो। खड़े मसालों को अच्छे से भूनने के बाद में मैं यहाँ बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दूँगी और उसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। प्याज को ढक कर के पकाएँगे और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले ना। प्याज के हल्का ब्राउन होने के बाद में हम यहाँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज, अदरक लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को अच्छे से भुनने के बाद में अब आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है। अब हम यहाँ सूखे मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसके बाद में यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डाल करके इनको अच्छे से भून लेंगे। मैंने यहाँ पर पानी इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैंने ऑयल कम लिया है, पानी डालने से ये मसाले जलेंगे नहीं। यहाँ पर मैं मसालों को 1 मिनट के लिए भूनूंगी। अब आप देख सकते हो कि मसाले कितने अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब मैं यहाँ टमाटर प्यूरी ऐड करूँगी। टमाटर प्यूरी को अच्छे से भूनने में मुझे यहाँ 5 से 6 मिनट का टाइम लगा है। टमाटर प्यूरी को भूनते समय ही अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लें। टमाटर प्यूरी को अच्छे से भूनने के बाद में अब हम यहाँ पर राजमा ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ राजमा को अच्छे से मिलाते हुए इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। राजमा को अच्छे से भूनने के बाद में हम यहाँ 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। राजमा को पानी के साथ अच्छे से मिलाते हुए कुकर पैक कर देंगे। अब हम यहाँ मीडियम लो फ्लेम पर 4 से 5 सीटियाँ लेंगे, उसके बाद गैस फ्लेम बंद कर देंगे। कुकर ठंडा होने के बाद में अब हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। हमारी राजमा 80% तक पक चुके हैं। अब उसके बाद में हम यहाँ गैस फ्लेम ऑन करेंगे। अब हम राजमा को दोबारा से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पर कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे।
अब हमारे राजमा पक करके बिल्कुल रेडी हैं। इस राजमा की सब्जी को गर्मा गर्म सर्व करें। इस तरीके से अगर आप राजमा बनाओगे ना, जिसको भी राजमा पसंद नहीं है ना, वो भी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेगा। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।